हमारा जो हमारी बुक है, आपने जो प्लस वन में भी जो है रीड की थी, अभिव्यक्ति और माध्यम, तो अभी जो है हमारा इस जो है पुस्तक का लेसन नहीं हुआ था, तो जो थर्ड लेसन है वो है हमारा प्लस टू के लिए। तो जो थर्ड लेसन है बेटा, उसका नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। क्या है लेसन? विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, लेसन नंबर थ्री बेटा। लेसन नंबर थ्री आप ओपन करेंगे और पेज नंबर 47, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पेज नंबर 47। तो जैसा हमने बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि संचार क्या होता है, जन संचार क्या होता है, तो इसमें है जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो इसमें उन माध्यमों के लिए जो हमारे माध्यम है संचार के, जन संचार के, तो उन माध्यमों के लिए जो लेखन है वो किस प्रकार का होना चाहिए और कैसे वो किया जाता है, तो इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। जैसे हम हमारे जो है माध्यम क्या है जन संचार के, टेलीविजन है, रेडियो है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, तो इनके लिए जो लेखन कार्य है वो किस प्रकार किया जाता है। तो इस पाठ में पहले हम देखते हैं बेटा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रमुख जन संचार माध्यम, कि प्रमुख जन संचार माध्यम हमारे कौन कौन से हैं। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में बेटा हमारे जो भी छपाई से संबंधित जितने भी हैं, पुस्तकें हैं, इश्तिहार हैं, समाचार पत्र हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी प्रिंट में। टीवी, रेडियो और इंटरनेट, ये क्या है बेटा? हमारे प्रमुख जन संचार के माध्यम है। फिर जितने भी जन संचार के माध्यम हैं उनकी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सेकंड है प्रिंट माध्यम, कि जो मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, कि जैसे पुस्तक है, इश्तिहार है, समाचार पत्र है, तो इसमें जो है लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेडियो, रेडियो समाचार की संरचना कैसे होती है, रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें, टेलीविजन, टीवी, खबरों के विभिन्न चरण, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली, इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे, इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, और भारत में जो है इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी नेट संसार, इन सभी के बारे में जो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बच्चों जैसे आप लेसन रीड करोगे तो आपको जैसे प्रीवियस जो है बेटा क्लास में आपने किया था, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप शॉर्ट भी लिखेंगे प्लस ऐसे टाइप भी लिखेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप अंडरलाइन करते जाएंगे रीडिंग के साथ साथ। देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा लेसन। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है। रचनात्मक मीन्स क्रिएटिव, कि कोई भी खबर लिखना बहुत मतलब हमारे खबर लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो जो खबर है वो कितनी क्रिएटिव हो सकती है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना, कि खबर लिखना भी उतना ही क्रिएटिविटी का काम है जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को, समाज को ताकत पहुंचाना है, चाहे कोई खबर लिखना हो या कविता लिखना हो, तो जो दोनों का उद्देश्य है वो क्या है? समाज को ताकत पहुंचाना। किसका उद्देश्य है? चाहे खबर लिखना उसका उद्देश्य है और कविता लिखना, इन दोनों का उद्देश्य क्या है? समाज को ताकतवर बनाना। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है, कि खबर में जो भी न्यूज है तो उसमें क्या है कि जो लेखक है, देखिए कविता में तो हम अपनी इमेजिनेशन जो है कल्पना से हम लिख सकते हैं, लेकिन खबर में क्या है बेटा कि लेखक जो है खबर को बदल नहीं सकता, उसमें अपनी इमेजिनेशन वो नहीं डाल सकता,
पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत की जो है पोल खोल सकता है, यानी पक्ष विपक्ष दोनों के साथ सही व्यवहार करके वो जो है उस खबर की असलियत को लोगों के सामने ला सकता है। खबर लिखने वाला हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां हैं कि खबर लिखने वाला जो है दोनों पक्षों को समान जो है आधार पर समान जो है मूल्य देकर दो जो है खबर की वास्तविकता को सबके सामने ला सकता है, यदि एक अच्छा पत्रकार है, एक अच्छा खबर लिखने वाला है। एक नजर में विभिन्न जन संचार माध्यमों के लिए लेखक लेखन के अलग अलग तरीके हैं। देखिए बेटा, विभिन्न जन संचार माध्यम कौन से हैं हमारे? प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। तो ये क्या है? हमारे विभिन्न जन संचार माध्यम है। तो इनके लिए जब लेखन है उसके तरीके भी अलग अलग हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है। शैली मीन्स स्टाइल। भाई अखबार में लिखने का अलग स्टाइल होता है, अलग शैली होती है, और पत्र पत्रिकाओं में मैगजीन में लिखने की जो शैली है वो अलग होती है। जबकि जो रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना पड़ता है वो एक अलग कला है। तो जन संचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। चूंकि जो माध्यम है वो अलग अलग है, क्यों है सबके लिए लेखन के तरीके अलग अलग? क्योंकि माध्यम है जो हमारे जन संचार के वो भी अलग अलग हैं, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है कि विभिन्न जन संचार माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त, भाई बोलने और लिखने के अतिरिक्त जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं और श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, जैसे मतलब जो अखबार पढ़ते हैं, जो टेलीविजन या रेडियो से समाचार सुनते हैं या देखते हैं, तो उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखकर जो है विभिन्न जन संचार माध्यमों का लेखन किया जाता है। ये देखिए बेटा, प्रमुख जन संचार माध्यम। तो क्वेश्चन बनेगा आपका, फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, प्रमुख जन संचार माध्यम कौन कौन से हैं? प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। प्रिंट मीडिया में हमारा सब कुछ आ जाता है, मैगजीन, इश्तिहार, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीजें जो है हमारी प्रिंट मीडिया में आती है। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो होगा प्रमुख जन संचार माध्यम कौन कौन से हैं, ये आप लिखेंगे। और साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो साथ साथ जो है अंडरलाइन करते जाएंगे। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे, इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी 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 कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते सुनते या देखते हों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जन संचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? कि जन संचार, देखिए बेटा, समाचार तो आप रेडियो और टेलीविजन पर भी सुनते देखते हैं, समाचार आप जो है अखबार में भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, तो इन दोनों के लेखन में और प्रस्तुत करने में क्या अंतर है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या नजर आया है?
उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं, क्योंकि बेटा देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम रेडियो के समाचार लेखन में जो है क्या क्या खासियत है किसकी तुलना में, टेलीविजन की तुलना में, भी दोनों में क्या अंतर है दोनों की समाचार लेखन शैली में। तो अखबार की और टेलीविजन की समाचार लेखन शैली में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से क्या है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में जो है क्या अंतर है, या इसमें कोई अंतर है ही नहीं। तो निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन भाषा, लेखन शैली और भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। कि जब आप देखोगे रेडियो पर समाचार सुनकर देखोगे, टेलीविजन पर समाचार सुनकर देखोगे और अखबार में पढ़कर देखोगे, तो आपको कई अंतर जो है नजर आएंगे। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला जो अंतर है वो यह दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है वहां रेडियो सुनने के लिए है। हाँ जी, क्या अंतर है? सबसे पहले कि अखबार को हम पढ़ सकते हैं लेकिन रेडियो को केवल सुन सकते हैं, और टेलीविजन को देखने के साथ साथ जो है हम सुनते भी हैं। ऐसे ही इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने जो है तीनों की सुविधाएं हैं। तो क्या अंतर समझ में आया बेटा? जो पहला जो मुख्य अंतर दिखाई देगा वो आपको ये दिखाई देगा कि जो है अखबार को हम केवल पढ़ सकते हैं और अनपढ़ लोग तो इसे पढ़ भी नहीं सकते, निरक्षर लोग तो पढ़ भी नहीं सकते जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है। दूसरा, रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं, और तीसरा, टीवी को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और इंटरनेट को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये तीनों ही काम करता है, तीनों की सुविधा है हमें इंटरनेट पर। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का, कि अखबार जो है छपे हुए शब्दों का माध्यम है, कि अखबार में आपको छपाई मिलेगी जबकि रेडियो में जो है बोले हुए शब्दों का जो है आपको बोले हुए जो शब्द हैं वो सुनाई देंगे। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना होगा। भाई रेडियो समाचार का लेखन किस प्रकार किया जाता है, टेलीविजन समाचार का लेखन किस प्रकार किया जाता है, तो इन बारीकियों को जो है पहले समझना होगा। जब आप हर माध्यम की विशेषताएं, उसकी खूबियां और कहां खामियों से परिचित हो जाएंगे। खामियां क्या होती हैं बेटा? कमियां। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं, खामियां भी हैं। खबर लिखने के साथ हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इन माध्यमों की जरूरत को समझना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा, जन संचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां, कि जो जन संचार के विभिन्न माध्यम हैं उनकी क्या खूबियां हैं, क्यों वो अच्छे हैं, क्या उनमें थोड़ी बहुत कमियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जन संचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज काम कम या ज्यादा कम या ज्यादा जो है करना पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं। उसका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी
ज्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो पसंद हो, ऐसा हो सकता है। और आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में, फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह आपकी किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो और उसके फुर्सत के अक्सर अखबार और पत्र पत्रिकाओं के साथ गुजरते हो, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है, क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी या आपके अन्य दोस्त के मिजाज, रुचियां, जरूरतें और पहुंच के अनुकूल है। स्पष्ट है कि हम सब अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं। तो हम किस प्रकार जो है जनसंचार माध्यम का चुनाव करते हैं? अपनी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग और अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है हम जनसंचार माध्यम खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को पसंद आता है तो किसी को जो है ज्यादा पसंद आता है, कोई माध्यम किसी को कम पसंद आता है। तो जन संचार माध्यमों का चुनाव हम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बच्चों? अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रुचियों के अकॉर्डिंग, जरूरतों के अकॉर्डिंग और अपनी पहुंच के अनुकूल, कि भी हम कितना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अनुसार, रुचियों के अनुसार, मिजाज के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, कि भाई हम लैपटॉप खरीद सकते हैं या टेलीविजन या रेडियो या समाचार पत्र से ही काम चलाना है। स्पष्ट है कि हम सब जो है अपनी अपनी रुचियों और स्वभाव के मुताबिक जो है माध्यम चुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है और किसी को नहीं आता। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जन संचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है। भाई हम यह नहीं कह सकते कि जो जितने भी जन संचार के माध्यम हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, क्योंकि लोग जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद करते हैं सभी माध्यमों को। तो हम जो है द बेस्ट माध्यम किसी को नहीं कह सकते हैं, या हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बेहतर है, ये दूसरा जो है इससे अच्छा है। बेहतर है या एक दूसरे से कमतर है? सबकी अपनी कुछ खूबियां और खामियां हैं, जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उसके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच कोई फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं, वही एक दूसरे का मुकाबला नहीं करते वे, कौन? जनसंचार के माध्यम, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। वे एक दूसरे की पूर्ति करते हैं और सहयोगी हैं। कहने की जरूरत है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। तो देखिए बेटा,
अखबार में और समाचार पढ़ने और टेलीविजन में समाचार देखने में क्या अंतर है? तो देखिए, जबकि टीवी पर जब हम टीवी पर समाचार देखते हैं, जब तस्वीरें देखते हैं, तो हमें एक जो है जीवंतता का एहसास होता है कि जैसे सारे जो प्राणी हैं वो जीवित हों। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर हमें नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त हो, जितना चाहे आजाद हो, उन्मुक्त होता है आजाद, उतना किसी और समाचार में संभव और माध्यम में संभव नहीं है। कि रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितने आजाद हैं, उन्मुक्त हैं, उतना जो है किसी माध्यम से संभव नहीं है। इधर इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी और संरचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाइए। जिस भी विषय पर आप जानना चाहें, इंटरनेट के जरिए वहां आप पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, वो हमारी सभी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। कि जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, वो अलग-अलग तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं और हर एक की जो है हमारे जिंदगी में अलग से अहमियत है। यही कारण है कि अलग-अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। आइए अब इन सभी माध्यमों को की अलग-अलग खूबियों को समझने की कोशिश करें। प्रिंट माध्यम, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा मुद्रण माध्यम या प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम, जिसको जो छपाई से संबंधित सारे जो चीजें हैं वो मुद्रित माध्यम में आती हैं। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। कि जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, सबसे पुराना कौन सा है बेटा? प्रिंट माध्यम। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा यहाँ से, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? चीन से। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, छापे खाने का जो आविष्कार है वो किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो जो है दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। जर्मनी, यूरोप में पुनर्जागरण, रेनसा की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। देखिए, यूरोप में जो है पुनर्जागरण हुआ, रेनसा का युग शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत करवाने में जो है छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला। शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे बेटा, भारत में पहला छापा खाना कब खुला, कहाँ खुला? भारत में पहला छापा खाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। मिशनरी क्या होते हैं बेटा? ईसाई लोग। तो ईसाइयों ने इसे धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए जो है छापे खाने को खोला था। भारत में पहला छापा खाना कब खुला? 1556 में गोवा में। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से तीन चार है बेटा, अंडरलाइन करेंगे। इसे जो है इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था।
तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक जो है बड़े स्तर पर जो है विस्तार हुआ है, मुद्रित माध्यमों का बड़े स्तर पर जो है विस्तार हुआ है। ये देखिए बेटा, जैसे न्यूज़पेपर है वो कैसे जो है इसकी छपाई हो रही है, छपाई की जो मशीन है किस प्रकार जो है हमारे मुद्रित जो माध्यम है वो छपते हैं, उसकी पिक जो है वो दी हुई है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सारी चीजें जो है आती हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है, यह दोहराने की जरूरत नहीं है। मुद्रित माध्यमों की दैनिक और धीरे धीरे मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आया तो उसे दिवा जो है दोबारा या जितनी बार इच्छा हो सके उतनी बार ही हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता बताई है बेटा, मुद्रित माध्यम की एक तो जो ये है मुद्रित जो माध्यम है इसमें शब्द जो है वो छपे हुए होते हैं, इसलिए हम उन्हें कभी भी फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी जो है पढ़ने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुद्रित माध्यमों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। मुद्रित माध्यमों की क्या पढ़ रहे हैं हम, खूबियां। तो मुद्रित माध्यमों की खूबियां हैं, नंबर एक, इनके अंदर जो है छपे हुए शब्दों के अंदर स्थायित्व होता है, हम जब चाहें उन्हें पढ़ सकते हैं। दूसरा, हम आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, हमें ये नहीं है टेलीविजन और रेडियो की तरह कि जो न्यूज़ है वो चली जाएगी तो हम दोबारा जो है उसे नहीं देख सकेंगे, नहीं सुन सकेंगे। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्र पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पेज को जो है और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। भाई कोई ये जरूरी नहीं है कि जो मैगजीन है वो यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से ही पढ़ें। जैसे समाचार है टेलीविजन पर देख रहे हो, अब ये नहीं पता कि आपका जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो समाचार है वो लास्ट में आएंगे या कब आएंगे, तो वो जो है आपको बैठकर जो है वहां पर पूरे के पूरे समाचार देखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर है प्रिंट मीडिया में आप अपनी पसंद जो है पेज ओपन करके पढ़ सकते हैं। ट्रस्ट और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ पर और पहली जो है पहली रिपोर्ट निपटे में पहली रिपोर्ट जो है रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ या पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और इसे संदर्भ की तरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चों हम जो है डिक्शनरी वगैरह देखते हैं, वैसे ही जो है हम अपने जो प्रिंट माध्यम है उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और जब हमारा मन करे या हमें जरूरत हो तो हम उसे खोल कर देख सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है, कि जब छपे हुआ काम चलता है तो इससे जो भाषा है लिखित भाषा उसका विस्तार होता है, नए नए शब्दों की जरूरत पड़ती है और नए नए शब्द भाषा में जुड़ते चले जाते हैं। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल है, लिखित और मौखिक स्वतः स्फूर्तता होती है, बोलने से जो है बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और
शब्दों के अनुपयुक्त में इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था बच्चों, आज हमने पढ़ा है मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा यही समाप्त है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ये लेसन नेक्स्ट करेंगे।